हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। भाई आज मैं एक जगह जा रहा हूँ, आप लोगों को थंबनेल देखे पता चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पहले तो जुनैद के घर जाएंगे, फिर उसके बाद हमें स्कूटी से जाना होगा। अभी चलते हैं जुनैद के घर। न्यू स्कूटी लिया, मतलब न्यू नहीं, सेकेंड हैंड लिया है, तो उसी से हम लोग जाएंगे। भाई जुनैद के घर तो पहुँच चुका हूँ, अभी जाके बेल बजाना है, फिर उसको बुलाना है। आवाज तो सुनाई दे रहा है उसका, नहीं पकड़ेंगे। चल उधर चल चल चल। ए भाई ये देख, ये एक नंबर का मतलब आलसी आदमी मोदी का आलसी हूँ मैं। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। भाई भाई ये रही भाई जुनैद की ड्यू, ये रहा एक नंबर का, और एक नंबर का क्या, एक नंबर का क्या, टॉप हीरो हूँ, टॉप हीरो हूँ भाई। और बाइक भी मुझे ही चलाना है, तो चलते हैं। तो गाइस अताउल्ला चालू हो चुके हैं, ड्राइवर हमारे कहीं पे ठोक मत मत देना, बहुत डर लगता है गाइस इसके ड्राइविंग में, मेरे को भरोसा नहीं है। मेरे तो भरोसा नहीं है, तेरे पे भी नहीं है। तू कौन है भाई जो तेरे पे भरोसा करूं, कहीं पे ठोक वोक देना। और सफर का मजा लेते हुए चलते हैं। अताउल्ला हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं जागृति थिएटर। हाँ पता नहीं भाई कहीं पे भी ले जा रहा है, मगर सही सलामत ले आ जाना मेरे को घर पे। अभी भाई जुनैद गाड़ी चलाएंगे और मैं पीछे बैठूंगा। ये डाला ठीकर। एक नंबर का पेटू भाई, देखो यार, यार खत्म हो गया। खाने के लिए रुके थे और खाना भी नहीं मिला। क्या खाने के लिए रुके थे? भुट्टा ना। भाई यहाँ पे ट्रैफिक का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या बताऊँ। कितने लोग खड़े हैं यार ट्रैफिक, 10 मिनट में भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा कि पूरा बैंगलोर बंद हो सकता है। तो गए हैं जागृति थिएटर और ये है एंट्रेंस। ये अंकल यहाँ पे एंट्रेंस देता है और भाई लोग ने थोड़ा लेट कर दिया 15 मिनट, तो अंदर घुसने का परमिशन नहीं दिया। और हम लोग आए हैं कम से कम 1.5 घंटा पहले। जुनैद कैसा लग रहा है? हालत टाइट हो गई। कहाँ बोल के कहाँ लेके आया। देखो भाई 11-12 किलोमीटर और मैं उसको पहले ही बोला था कि व्हाइट फील्ड की तरफ जाना है यार, बोला था। अभी अभी ये कर रहा है कि मैं ही उसको लेके आया हूँ। अरे भाई बोला था। भाई भाई ऐसा तो मत कर यार, बोला था। 5:30 बजे यहाँ पे मेरा शो है और मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ। इसमें सिर्फ 10 बंदे का मतलब परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें मैं अपना नाम डाला हूँ 5-5 नंबर पे। वेट करते हैं कब स्टार्ट होगा। 5:30 बजे एंट्री देंगे हम लोग, फिर आप लोगों से अंदर मिलते हैं। भाई हम लोग आए थे इधर घूमने के लिए क्योंकि अभी टाइम है, तो इसी वजह से हम लोग चाय पीने के लिए आए थे यहाँ पे, और एक भी टपरी नहीं मिला यहाँ पे चाय पीने के लिए। क्या पता है यार, बिना चाय के तो एक लम्हा भी नहीं गुजर पाया। और यहाँ पे चाय भी नहीं मिल रहा है। ओ पान का दुकान है, कुछ पान खा लेंगे। चलो नहीं उनके पास चाय मिलेगी। ओ चाय मिल सकता है क्या? चलो फिर रोड क्रॉस करते हैं भाई। भाई फाइनली एक टपरी मिला, यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं हम लोग। ये रहा हम लोग अच्छा ही, और ये है अंकल। हाय मारे अंकल। चलते हैं हम लोग अंदर और 1/2 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे ओपन माइक के लिए। और ये कुछ ऐसा दिखता है थिएटर। गिटार का गिटार अंकल को दिया था। और यहाँ पे होता है ओपन माइक। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए इस ब्लॉग में। तो गाइस अताउल्ला ने
इधर जेंडर को जेंडर समझ के मेल लिख दिया। I was wondering what he's going to perform in as a male. There are a lot of things to perform as a male. भाई क्यों क्यों बेइज्जती कर रहा है मेरा यार? तूने खुद करवाई है। ये बंदा बाथरूम जाएगा तो मुझे लेके जाना चाहता है, क्या बताऊं इसको मैं? बहुत नीक है ये, देखो भाई क्या बताऊं मैं तेरे को, मैं क्या बताऊं तेरे को? बताए मत। ये हूँ मैं, ये है, ये कौन है कौन मेरा? तू है कौन? मैं बेइज्जती मत करा, अभी बोल दूंगा सर। तूने जेंडर पे जेंडर लिखा है। Interestingly, this is my first hosting open mic. So like you guys are trying your new material, I'm trying my new this skill set. So I am feeling like doing good. Yeah, let's start. So Chakrati open mic, so we can see there's a theater also, right? And there's a play today. You guys can have tickets from the box office. And it was first show was really good. There are 100+ people. And this is a place where you can try anything. So it's a unique in its way. You can try stand up, be a, like music, poetry, any kind of performance art. So spread the name and share with your friends and colleagues and let them know. And yeah, come again and again. I'm seeing the people who's coming here for last 6 weeks. So they are coming continuously and they are improving their content. And some of them I have seen now performing at bigger stage also. So yeah, that's what this stage gives up, give us to. So one more round of applause for this stage. One more. भाई
प्रोग्राम तो अभी चल रहा है बट हम लोग को लेट हो रहा है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, और जुनेद को ज़्यादा लेट हो रहा है, उसका मम्मी भी फोन बहुत रहा है, उसका मम्मी फोन कर रहे हैं तो इसी वजह से फोन नहीं कर रहा है। फिर तूने क्यों बोला कि मम्मी फोन कर रहा है? चल रहा है मेरा भाई, देखो यार बंदा उठा के लेके आ गया मुझे। तो अभी जाना है रूम, और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, फ्री ओपन माइक शो है, और ये सैटरडे को ही सिर्फ होते हैं 5:30 बजे, और व्हाइट फील्ड के तरफ ही है ये भी। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे ओपन माइक शोज होते हैं वो व्हाइट फील्ड के तरफ ही होते हैं, और अगर आप लोग बेंगलोर में ओपन माइक शोज में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट करो और अपना इच्छा जाहिर करो। आजा 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 भाई, ये बंदा भी ना यार, क्या बताऊँ मैं इसको। चलो कोई बात नहीं, तो आज चलते हैं हम लोग। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।